Dear students, today the topic of us is India and the Great Depression, Bharat or Arthik Mandi. If we look at the impact of the depression on India, अगर हम मंदी के प्रभाव को भारत पर देखें, we realize, हम ये महसूस करेंगे, how integrated the global economy had become by the early 20th century. हम ये महसूस करेंगे कि जो अर्ली 20th सेंचुरी में दुनिया की अर्थव्यवस्था थी वो कितनी इंटीग्रेटेड थी, कितनी जुड़ी हुई थी. द ट्रिमर्स ऑफ ए क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द पार्ट्स और क्विकली रिलेटेड टू द अदर पार्ट्स. और जो एक दुनिया के एक हिस्से में जो संकट था उसकी जो ट्रिमर्स थी वो जल्द ही तेज़ी के साथ दूसरे हिस्सों में भी फैल गई. इट्स अफेक्टिंग द लाइफ इकोनॉमी एंड द सोसाइटी वर्ल्ड वाइड. इस ग्रेटर ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन, इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ लाइफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी वर्ल्ड वाइड. इसमें पूरी दुनिया में लोग जीवन, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी को प्रभावित किया. इन द 19th century में, एज यू हैव सीन, जैसे कि आपने देखा, कॉलोनियल इंडियन हैड बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स. इन 19th century में आपने ये देखा कि किस तरह से कॉलोनियल इंडिया जो था वो इट वॉज द एक्सपोर्टर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल गुड्स, और ये एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्टर था. और वट आर द थिंग्स manufacturers from machine, it was imported. अब भारत जो है इसका importer था. The depression immediately affected Indian trade. Depression ने भारतीय व्यापार को भी काफ़ी प्रभावित किया. India exports and import nearly half between 1928 and 1934. भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो आधा रह गया. एज इंटरनेशनल प्राइजेस क्रैश, जैसे कि इंटरनेशनल प्राइस क्रैश हुए, प्राइस ऑफ इंडिया, प्राइस इन इंडिया आल्सो प्लंच. भारत में भी प्राइस में जो है वो उछाल आ गया, प्लंच हो गए. बिटवीन 1928 एंड 1934 की प्राइस इन इंडिया फेल बाई 50%. 1928 और 1934 के बीच में जो प्राइस ऑफ व्हीट प्राइस थे इंडिया में वो 50% तक गिर गए. पीजेंट एंड फार्मर सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स. अब पीजेंट और फार्मर जो थे वो अर्बन ड्वेलर्स, अर्बन रिसाइडल से ज़्यादा सफर थे, पीड़ित थे. दो, एग्रीकल्चर प्राइस फेल साफली. हालांकि जो एग्रीकल्चरल प्राइस थे वो तेज़ी के साथ गिरे. द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूज रेवेन्यू डिमांड्स, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिमांड्स को कम करने से मना कर दिया. पीजेंट प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर्ल्ड वाज इट. द फार्मर्स हु वर प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट दे वर द वर्स्ट हिट. वो काफ़ी प्रभावित थे. कंसिडर द जूट प्रोड्यूसर, हम जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल की बात करें, दे ग्रू रॉ जूट दैट वाज प्रोसीड इन फैक्ट्री. अगर हम बंगाल के जूट प्रोड्यूसर की बात करें तो वह जूट उगाते थे, फिर उसको फैक्ट्री में प्रोसीड किया जाता था फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग. गनी बैग के फॉर्म में उनको और फिर एक्सपोर्ट किया जाता था. बट 60% पीजेंट्स, 60% पीजेंट जो थे हु बूम्ड इन द होप ऑफ बेटर टाइम्स. जो पीजेंट जो इस आशा में थे कि उनका टाइम जो है बेटर होगा और टू इंक्रीज द आउटपुट इन द होप, और उनका जो है इस आशा में थे कि जो है उनको हायर इनकम होगी. नाउ दे वर फेसिंग एवर लोअर प्राइसेस.
अब वो जो है इतने कम दाम जो उन्होंने कभी नहीं देखे उसको फेस कर रहे थे, एंड फेल डीपर एंड डीपर इन टू डेट। अब वो जो है पेड़ जाल में फंसते चले गए। थस द बंगाल जूट ग्रोअर्स लेमेंट, और एक बंगाल जूट ग्रोअर्स की जो विलाप था वो इस फोर लाइन्स पोएम्स में बताया गया है। अकोर्स इंडिया पीजेंट्स इंडेटनेस इंक्रीज, पूरे भारत में जो है पीजेंट्स की जो ऋण थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दे यूज अप देयर सेविंग्स, उन्होंने अपनी सेविंग्स को यूज़ कर लिया था मॉर्गेज लैंड्स, और उनके जमीन को उन्होंने गिरवी रख दिया था। एंड सोल्ड वेदर वाटर द ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसिव, और उन्होंने जो उनके पास ज्वेलरी और जो प्रीशियस मेटल थी जो दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसिव, उन्होंने अपने खर्चे को पूरा करने के लिए उनको सोल्ड कर दिया। इन दिस डिप्रेशंस ईयर्स, इन डिप्रेशंस ईयर्स में इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स। इंडिया जो है एक्सपोर्टर प्रीशियस मेटल का एक्सपोर्टर बना, नोटेबली गुड्स गोल्ड, मुख्य रूप से गोल्ड का। द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेयर मेनार्ड, फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केनी थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इनकम रिकवरी, कि जो इंडियन गोल्ड का एक्सपोर्ट है वो वैश्विक आर्थिक रिकवरी को बढ़ावा देगा। दे सर्टेनली हेल्प स्पीड अप ब्रिटिश रिकवरी, अब मुख्य निश्चित तौर पर जो ब्रिटिश रिकवरी है उसको बढ़ाएगा। बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पीजेंट्स, लेकिन उन्होंने इंडियन पीजेंट्स के लिए कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। रूरल इंडिया वाज थस सीथिंग विद अनरेस्ट, और रूरल इंडिया जो था वो बेचैनी से भरा हुआ था। व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट द हाइट ऑफ द डिप्रेशन इन 1931, जब 1931 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। इन द ईयर ऑफ द 1931 द डिप्रेशन प्रूव्ड द ग्रिम डिप्रेशन, ये मंदी जो है वो ग्रिम सिद्ध हुई फॉर द अर्बन इंडिया, अर्बन इंडिया से बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइस, क्योंकि फॉलिंग प्राइस की वजह से, बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइस दो जो विद फिक्स इनकम, जिनकी फिक्स इनकम थी, से टाउन्स डवेलिंग्स लैंड ओनर्स जो शहर में रहने वाले जमींदार थे, रिसीव्ड रेंट एंड मिडिल क्लास सैलरी एम्प्लॉयड जो रेंट प्राप्त करते थे, और मिडिल क्लास सैलरी एम्प्लॉयड जो थे नाउ फाउंड देम सेल्फ बेटर ऑफ, वे अपने आप को बेटर ऑफ महसूस कर रहे थे। एवरीथिंग कॉस्ट लेस, हर चीज़ कम हो जाती है। इंडस्ट्रियल्स इन्वेस्टमेंट आल्सो ग्रो, इंडस्ट्रियल जब चीज़ों की कमी थी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और गवर्नमेंट ने अपने टैरिफ प्रोडक्शन को एक्सटेंड किया इंडस्ट्रीज के लिए अंडर द प्रेशर ऑफ द नेशनलिस्ट ओपिनियन, राष्ट्रवादी ओपिनियंस के दबाव की वजह से जो टैरिफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के लिए था उसको बढ़ाया गया।